तुम चलो, मैं तुम्हें दवाई लगाता हूँ। नहीं कार्तिक, ये सब साफ करना है, सारा खाना नीचे गिर गया है, पर मासा को बुरा लगेगा। लवली, ये सब होता रहेगा, तुम चलो दवाई लगाएंगे। तुम वहां पर क्या कर रही थी? हमने मना किया था ना कि लवली और कार्तिक के प्रति जो तुम्हारी सहानुभूति है उसे जरा खत्म कर दो। तुम रुको, मैं बाहर से जाके ऑइंटमेंट लेके आता। कार्तिक, यहाँ आसपास कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, तुम कहाँ ढूंढते रहोगे? अगर तुम चाहते हो ना कि मेरा हाथ ठीक हो जाए तो तुम मेरे हाथ को किस कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ओ जी बाईगढ़ की कसम, मुझे कार्तिक देखो ना कितना परेशान लग रहा है, मुझे इधर से उधर, मुझे पक्का कुछ ढूंढ रहा होगा ये, पर क्या ढूंढ रहा होगा जी? जरूर कोई ऑइंटमेंट ढूंढ रहा होगा लवली के लिए। हम आप लोगों को कितनी बार कह चुके हैं कि चुपचाप बैठ करके अपना अपना खाना खाओ, वहां पर क्या चल रहा है, वो क्या ढूंढ रहे हैं, इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं। कार्तिक इतना परेशान हो रहा है, वो लवली का हाथ जल गया ना, उसके पास कोई दवा वगैरह तो होगी नहीं ना, तो उसे हमारी मदद की जरूरत है। कम से कम एक अच्छे पड़ोसी की तरह हम उनकी मदद तो कर सकते हैं ना। मॉम जी, आपने याद है एक बार कहा था कि अगर हाथ जल जाए और बर्न स्प्रे नहीं है तो टूथपेस्ट मेडिसिन की तरह काम करता है। मिल गया। कार्तिक, ये टूथपेस्ट है, ऑइंटमेंट नहीं है। मुझे अच्छे से पता है ये क्या है। इससे कुछ नहीं होगा और मैं ये सब नहीं लगाऊंगी। अरे तुम एक बार लगा के तो देखो, बहुत फायदा होगा। तुम्हें किसने बताया? रिया भाभी ने। रिया भाभी ने तुमसे सबने बात की? नहीं, बात तो नहीं की, पर मैं बाहर ऑइंटमेंट ढूंढ रहा था, सब लोग मुझे देख रहे थे, बस ऐसे ही अनजाने में रिया भाभी ने सुझाव दे दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उन्हें अब भी हम दोनों की बहुत फिक्र है। लेकिन मैंने ये कहीं नहीं सुना है कि टूथपेस्ट लगाने से ये सब ठीक हो जाता है। देखो, अगर तुम्हें तसल्ली हो गई हो तो मैं लगा दूं। देखना, इससे बहुत फायदा होगा। बंटवारे के बाद तो कार्तिका एकदम रंग ही बदल गया, लवली की हर हाँ में हाँ मिलाने लगा है। लवली से तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमें लगा था कि बंटवारे का दुख जितना हमको है उतना ही कार्तिक को भी होगा, लेकिन देखिए उसे, चेहरे पर एक शिकन नहीं, कैसे मजे से दोनों बाहर जा रहे हैं। कहाँ पे गए होंगे इतनी रात को, कोई खाने पीने के लिए गए होंगे? और भैया, कभी कभी बाहर जाके खाने में हार्म क्या है? इस तरह बाहर खाना और फिजूल खर्ची करना सही है? नहीं भैया, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर कार्तिक और लवली बाहर जाके खा रहे हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? मुझे लगता है कि रिया अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस बंटवारे से कार्तिक और लवली के ऊपर कोई असर पड़ा, दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। शिबू, आप इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए? अभी तो ये शुरुआत है। देखो बस, बहुत हो गया, हमारे पास शब्द नहीं है। जब लवली के साथ कार्तिक भी ये घर छोड़कर चला गया तो एक माँ के दिल पर क्या गुजरा? मात्र अपने परिवार की भलाई सोचते हुए हमने इतना बड़ा कदम उठाया, अब किसी का भी इस विषय पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस बंटवारे के बाद शायद हम ही जीवन का सबसे कठोर दंड भुगत रहे हैं।